नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिटेबल कैसे बने रहें। इस वीडियो के अंदर ट्रेडिंग अगर हम कर रहे हैं तो ट्रेडिंग के अंदर हम ओवरऑल प्रॉफिटेबल कैसे बने रहें। गाइस, ये जो गोल्डन रूल है, अगर ये आपने करीबन 30 दिन से लेकर 60 दिन तक अगर आपने यहाँ पे पूरे के पूरे अप्लाई कर लिए अपने जीवन में इस ट्रेडिंग सेटअप में, तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो जो भी फर्स्ट टाइम है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो जरूर देखें। तो गाइस देखो, अपने प्रॉफिटेबल बने रहने के लिए क्या करना है। एक्चुअल में क्या है कि कितने जने होंगे जो एक ट्रेड के बाद में प्रॉफिटेबल रहते हैं, लेकिन उस प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करके ही फिर वो आराम से 3:30 पे उसके बाद में वो खड़े होते हैं। मतलब जो पैसा उन्होंने बना रखा है वो पूरा का पूरा पैसा गवा देते हैं। वो लास्ट में जो पैसा गवा देते हैं, साथ में अपनी कैपिटल भी गवा देते हैं, कैपिटल में भी लॉस कर देते हैं। तो डिसिप्लिन भी जरूरी है मार्केट में अगर आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल रखना है। तो गाइज, मैं जयसिंह शेखावत, तो मैं बताता हूँ मेरे खुद के एक्सपीरियंस। एटलीस्ट मेरे को 2015 से, यानी कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ही, यानी कि मैंने जो आज तक सीखा है उसी के रिगार्डिंग मैं ये आपको वीडियो डाल रहा हूँ। तो गाइज बात करते हैं, सबसे बेस्ट रूल है लर्निंग। अगर आपको लर्निंग नहीं है तो आप ओवरऑल प्रॉफिटेबल नहीं रहेंगे। कॉल क्या है, पुट क्या होती है, ठीक है, और साथ में अपने चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं, चार्ट को कैसे देखा जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ये क्या चीज होती है, ये नहीं पता लोगों को। ट्रेड घुस गए, टाइम में घुस गए, बस ये कर लिया, ठीक है ना। पेपर ट्रेड नहीं किया किसी ने। तो गाइस देखो, आज फर्स्ट चीज है कि आप जितना हो सके लर्न करो, उसके बाद में ही इस ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर घुसे, या स्टॉक ट्रेडिंग भी अगर आप करते हैं तो उसके बाद में ही, यानी कि आप उसके अंदर घुसे। अदरवाइज क्या है कि ओवरऑल आपको नुकसान रहेगा। जब तक इस चीज को सीखोगे नहीं तब तक नुकसान ही रहना है। तो गाइज लर्निंग बहुत जरूरी है, लर्निंग के लिए मैंने वीडियोस बना के डाल रखे हैं, तो वो जरूर देखें। तो लर्निंग के बाद में आपका दूसरा पॉइंट आता है कैपिटल, कि हम कैपिटल किस तरह से डालें, इसके अंदर कितनी कैपिटल से हमें ट्रेड करना चाहिए। कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ कि भाई कितनी कैपिटल से हमें ऑप्शन ट्रेड करनी चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप 10,000 रुपए भी अगर डालते हो तो आप एक निफ्टी का आराम से 2 लॉट आराम से खरीद सकते हो। चाहे कभी भी खरीदो, 2 लॉट आराम से निफ्टी के 10,000 में आप खरीद सकते हो, ठीक है। 100 की प्राइस का इंटू 500 के हिसाब से भी अगर लेते हो तो 10,000 रुपए के अंदर आप आराम से खरीदारी इसमें कर सकते हो। तो कैपिटल हो गई गाइस, कैपिटल 10,000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि हम कैपिटल ले लेते हैं और सीधे घुसते किसमें है, बैंक निफ्टी, जो कि बहुत वॉलेटाइल रहता है। तो बैंक निफ्टी में न घुस के जो बिगनर्स हैं उनके लिए यही सलाह है कि वो ओनली और ओनली निफ्टी में ही ट्रेड करें, निफ्टी में कर लें या फिर निफ्टी में कर लें, ठीक है। ये दो ही ऐसे हैं जो आपको लॉस बहुत धीरे धीरे देंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी एक कैंडल के अंदर पूरी की पूरी कैपिटल को चूस जाता है। तो थोड़ा सा निफ्टी और फिर निफ्टी में ही कोई ट्रेड करना चाहे तो उसी से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट आपको लर्निंग करनी है, देन सेकंड आप लर्निंग करके, मेरी राय यही है, लर्निंग के बाद में लर्निंग में क्या क्या सीखना है वो सारे मैंने आपको बता दिए, फिर आप करें पेपर ट्रेड। पेपर ट्रेड करें करीबन 30 दिन। 30 दिन आपने कर लिया, फिर आप अपना सेटअप तैयार करने लग गए कि सेटअप कर लिया मैंने, कि अब सेटअप के बाद में क्या करें। सेटअप बना के आप उसके अंदर कैपिटल ऐड करें, कैपिटल ऐड करने के बाद में आप ऑप्शन ट्रेड करें। अब ले लेते हैं, ट्रेड कर लेते हैं, प्रॉफिट भी बनता है लेकिन लॉस हो जाता है। तो चौथी चीज गाइस क्या होती है कि रिस्क और रिवॉर्ड।
हमें अपनी कैपिटल पे रिस्क कितना लेना है और रिवॉर्ड कितना लेना है, ये चीज हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि कई जनों को मैंने देखा, कई मेरे को लाइव में भी यानी कि मैसेज करते हैं कि सर मेरा इतना होल्ड है और इतना मेरे को लॉस हो रहा है, तो लॉस नियरली 50% से भी ज्यादा अगर लॉस कर रहे हैं फिर भी उसको होल्ड करके बैठे। तो रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड के लिए मैं आपको एक बार निफ्टी के चार्ट पे ही ले जाता हूँ। तो गाइस सबसे बेस्ट चीज है आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद में जहां पे ट्रेड करें, 5 मिनट के चार्ट पे अगर करना चाहें तो 5 मिनट के चार्ट पे कर लें, स्कैल्पिंग करना चाहें तो स्कैल्पिंग कर लें। स्कैल्पिंग का मैंने वीडियो डाल रखा है, वो जरूर देख लें। तो गाइस जैसे ये आपका कैंडल है, यहां से मार्केट ने ये एक सपोर्ट बनाया है भाई, इससे नीचे चला गया तो मैं यहां से एग्जिट की पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। इस पॉइंट से मैं यहां से एग्जिट कर दूंगा, ये दिमाग में रखना है। ठीक है, यहां पे अगर ये इसके नीचे चला गया तो आप पर्टिकुलर एक अपना रिस्क जो है, रिस्क मैनेजमेंट है कि भाई मैं इसके नीचे एग्जिट कर दूंगा, चाहे भले ही यानी कि मार्केट वापस यहां से टच करके नीचे आके फिर फर्दर ऊपर चला जाए वो अलग चीज है, लेकिन आपने जब जिस दिन से रिस्क लेना शुरू कर दिया, रिस्क इन द सेंस अगर मान लो कोई भी चीज आपने ली, कोई भी कॉल ली, जैसे मान लो अभी ट्रेंडिंग है मार्केट, तो कॉल ली, तो कॉल के अंदर अगर आपने 10 पॉइंट का लॉस डिसाइड किया तो आपको 10 पॉइंट का एसएल लेना ही चाहिए। और जिस व्यक्ति ने एसएल लेना शुरू कर दिया, मैं खुद गारंटी से कह रहा हूं कि वो ओवरऑल ठीक है ना, ये प्रॉफिटेबल होना शुरू कर देगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आपकी माइंड सेट होना शुरू हो जाएगा कि मेरे को चलो ठीक है कि ये 10 पॉइंट का मेरा रिस्क है, अगर ये नीचे निकला तो मैं ये रिस्क ले लूंगा। तो वहां से आपकी पहले तो आप स्ट्रेटजी कर स्टार्ट करेंगे, अपनी ट्रेड पे सेटअप लेंगे, सेटअप से फिर आप ओवरऑल इसको धीरे 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 प्रॉफिटेबल आने लग जाएंगे। अगर आपने जैसे मान लो कि भाई कोई भी ट्रेड ली, लेकिन ऐसे नहीं कि उठे जब टाइम मिला एंट्री कर ली, वो नहीं होना चाहिए, प्रॉपर सेटअप पे ही एंट्री होनी चाहिए इसमें। और 10 पॉइंट का आपने रिस्क लिया, 10 की जगह 10 का ही रिवॉर्ड लिया कि भाई 10:10 तो 1:1 की ये ट्रेड हो गई, 1:2 का आपने दिमाग में रख के ट्रेड किया। तो जैसे 2 लॉट लेके चलते हो, 1:1 में 1 लॉट को एग्जिट कर दो, 1 लॉट को ओवर टू कॉस्ट या 1:1 के पास में, या जैसे मान लो 5 पॉइंट आगे बढ़ा लिया, एटलीस्ट अगर वो मार्केट वहां से रिवर्स भी होगा तो भी आपने 5 पॉइंट, मतलब एक पे तो आपने 10 पॉइंट लिए हैं और एक पे आपके 15 पॉइंट हो गए, तो टोटल कितने? 25 पॉइंट। 25 × 100, 2500 रुपए आपको आराम से ये मिल जाएंगे। तो 10,000 की कैपिटल से आप आराम से एक पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ ये चीज आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैपिटल का पार्ट हो गया, रिस्क रिवॉर्ड कर लिया, फिर है विनिंग रेशियो की, जीत कितनी होती है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट होगा हमारा विनिंग रेशियो, कि हम विनिंग रेशियो, अगर जैसे मान लो आप डेली की ट्रेड ले रहे हो, 24 डेज के आसपास करीबन ये आपके ट्रेडिंग डेज रहते हैं पूरे महीने में, तो यहां से आपने अगर 5 ट्रेड भी अगर प्रॉफिटेबल निकालना शुरू कर दिया ना, तो मजाक नहीं है, हकीकत कह रहा हूं कि आप ओवरऑल है ना प्रॉफिट में निकलोगे। आप एक स्ट्रेटेजी लेके चलो, 1:2 का टारगेट लेके चलो, आप दिमाग में बस करो ही मत कि बस 10 10 आने चाहिए, 10 नहीं तो 20, 10 लग गए या 20 आ गए। ठीक है, तो अगर आप ऐसे भी करते हो तो अगर 24 दिन में से अगर आपके आई थिंक 10 दिन भी अगर आपने प्रॉफिटेबल दिन निकाले ना, तो भी आप है ना मंथ एंड पे ओवरऑल प्रॉफिटेबल रहेंगे। ये आप कैलकुलेशन कर लेना, खुद समझदार हो तो ये चीज आपको समझ में आ जाएगी कि ये सही है। ठीक है, फिर है आपके 6 पॉइंट हो गया आपका, जो बिगनर्स हैं गाइस ये BTST बिल्कुल अवॉइड कर दें, ओवरनाइट की पोजीशन बिल्कुल नहीं लें, लें उतनी ही लें, जैसे मान लो आज की ट्रेड किया आपने, आज आपने 5,000 रुपये बना लिए, 5,000 से उसमें से 20% तक का ही लॉस, मतलब 1,000 रुपए तक का ही आप लॉस उसका एक्सेप्ट कर सकते हो, उतना ही यानी कि आपको BTST लेना चाहिए, अदरवाइज नहीं लें, क्योंकि BTST एक सबसे तुक्के वाली चीज है, तो वो चीज न करें। तो गाइस
ओवरऑल अगर आप प्रॉफिटेबल रहना चाहते हैं, प्रॉफिटेबल सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूं। लर्निंग, हमें लर्निंग करनी है, पेपर ट्रेड करना है। पेपर ट्रेड 30 डेज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें कैपिटल ऐड करनी है। कैपिटल ऐड कितनी करनी है? ओनली 10K। यहां से आप धीरे 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 प्रॉफिटेबल ट्रेड लेना शुरू करें। फिर आपका हो गया रिस्क और रिवॉर्ड। फिफ्थ हो गया विनिंग रेशियो, कि आप रेशियो कितना लेते हैं, विनिंग रेट कितनी है आपकी। तो पेपर ट्रेड में आप जब ट्रेड करना शुरू करोगे, आप अपने सेटअप से स्टार्ट करोगे, तो आप अगर 10 ट्रेड में से अगर 5 ट्रेड या 6 ट्रेड अगर आपकी एक्यूरेसी आ रही है, तो ये 60% के आसपास एक्यूरेसी होगी। तो यहाँ से आप कैपिटल इसके अंदर डाल के आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हो। तो सिक्स्थ है गाइज आपका BTST, तो ये जो कि आपको इग्नोर करनी है। तो गाइस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, और किसी को भी अगर हेल्पफुल अगर लगता है तो शेयर जरूर करें, किसी की भी मदद हो। और जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू।